बिटकॉइन का प्राइस दोस्तों लास्ट 1 वीक से 20,000 के अराउंड ट्रेड कर रहा था, जिसके बाद आज इसमें मॉर्निंग से ही थोड़ी बाइंग देखने को मिल रही है और अभी बिटकॉइन का प्राइस ट्रेड कर रहा है $21,700 के अराउंड। बट ये बाइंग दोस्तों एक ट्रैप भी हो सकती है ट्रेडर्स के लिए, क्योंकि बिटकॉइन के प्राइस में एक बार फिर से गिरावट देखने को मिल सकती है। ऐसा क्यों हो सकता है, इसके बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे। लास्ट में हम बात करेंगे क्रिप्टो से रिलेटेड कुछ लेटेस्ट न्यूज़ की। वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो माइंडर्स। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। बिटकॉइन के चार्ट को आप देख सकते हैं दोस्तों, $25,000 के प्राइस को टच करने के बाद बिटकॉइन में हमें एक बार फिर से गिरावट देखने को मिली है, जिसके बाद बिटकॉइन लास्ट 7-8 डेज से $21,000 के अराउंड ही ट्रेड कर रहा था। बट आज मॉर्निंग से ही बिटकॉइन में बाइंग बनी हुई है। बिटकॉइन को फॉलो करते हुए ओल्ड कॉइन में भी हमें अच्छी बाइंग देखने को मिल रही है। मोस्ट ऑफ ओल्ड कॉइन आज ग्रीन में ट्रेड कर रहे हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, क्यों BTC में एक बार फिर से गिरावट आ सकती है। स्क्रीन पर आप देख सकते हो दोस्तों बिटकॉइन के चार्ट को। लास्ट टाइम जब बिटकॉइन में शार्प गिरावट देखने को मिली थी, उससे पहले बिटकॉइन का प्राइस बेरिश फ्लैग पैटर्न में ट्रेड कर रहा था और जैसे ही इस पैटर्न की जो लोअर रेंज है वो ब्रेक हुई, उसके बाद शार्प गिरावट हमें बिटकॉइन के प्राइस में देखने को मिली थी 17,500 के प्राइस लेवल तक। अब हम करंट बिटकॉइन के प्राइस पैटर्न को देखें तो फिर से हमें सेम बेरिश फ्लैग पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है और इस पैटर्न की अपर ट्रेंड लाइन को BTC ने 3 से 4 बार ब्रेक करने की कोशिश भी की थी, बट BTC इसे ब्रेक कर नहीं पाया और अभी BTC इसकी लोअर ट्रेंड लाइन के अराउंड ट्रेड कर रहा है और लास्ट 7-8 डेज से बिटकॉइन के प्राइस में वोलेटिलिटी भी बहुत लो हो गई है, जिसका सिंपल सा मीनिंग है कुछ बड़ा हमें बिटकॉइन के चार्ट पर जल्दी देखने को मिल सकता है। और अगर ये लोअर ट्रेंड लाइन यहाँ पर ब्रेक होती है तब हमें बिटकॉइन 15,000 के लेवल तक मूव करता हुआ दिख सकता है। इसलिए दोस्तों अभी बड़ी पोजीशन मार्केट में बिल्कुल भी ना बनाएं। अब बात करते हैं दोस्तों बिटकॉइन के शॉर्ट टर्म सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल की। सपोर्ट की बात करें तो दोस्तों बिटकॉइन के लिए 20,000 का जो लेवल है वो एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेवल है, जिसे अभी तक बिटकॉइन ने होल्ड करके रखा हुआ है। शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस बिटकॉइन के लिए अभी 50-डे मूविंग एवरेज बना हुआ है। फर्स्ट इसे ही बिटकॉइन को ब्रेक करना होगा अगर बिटकॉइन को अपसाइड मूव करना है तो। ये था दोस्तों बिटकॉइन का चार्ट एनालिसिस। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अब बात करते हैं दोस्तों बिटकॉइन से रिलेटेड कुछ लेटेस्ट न्यूज़ की। फर्स्ट न्यूज़ है दोस्तों, सैमसंग स्लेट्स क्रिप्टो एक्सचेंज लॉन्च इन साउथ कोरिया फॉर 2023। सैमसंग भी अपनी क्रिप्टो एक्सचेंज लॉन्च करने वाला है दोस्तों नेक्स्ट ईयर। इसके अलावा सैमसंग लास्ट कई ईयर से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में भी वर्क कर रहा है। जनवरी में सैमसंग ने अपना वर्चुअल स्टोर भी लॉन्च किया था डिसेंट्रलैंड मेटावर्स में, और साथ में बोर्ड एप एक्सी इन्फिनिटी FTX एंड सुपर रेयर NFT प्लेटफॉर्म में भी इन्वेस्ट किया था। सैमसंग एक मल्टीनेशनल कंपनी है दोस्तों, सैमसंग का क्रिप्टो स्पेस में इन्वेस्ट करना बहुत ही पॉजिटिव है। सेकंड न्यूज़ है दोस्तों, 72% ऑफ रशियन सेज दे हैव नेवर बोट बिटकॉइन। रशियन यूक्रेन वॉर के टाइम बिटकॉइन के प्राइस में सडन जंप देखने को मिला था, जिसके पीछे का रीज़न बताया गया था दोस्तों रशियन क्रिप्टो बाय कर रहे हैं क्योंकि उनकी जो खुद की करेंसी थी रूबल उसमें काफ़ी गिरावट आ गई थी। बट अभी के एक सर्वे में निकल कर आया है जिसमें 72% रशियन ने कहा है उन्होंने कभी बिटकॉइन बाय नहीं किया। साथ में 6% रशियन को ही क्रिप्टो के बारे में नॉलेज थी। थर्ड एंड लास्ट न्यूज़ है दोस्तों, ETH वेल्स मूव होल्डिंग ऑन टू एक्सचेंज बिफोर मर्ज। जैसा कि हम सभी को पता है 15 सितंबर को इथीरियम मर्ज की डेट है, जिस वजह से रिसेंटली इथीरियम के प्राइस में अच्छा जंप भी देखने को मिला था। बट अभी एक अपडेट निकल कर आई है दोस्तों, जिसमें टॉप 10 इथीरियम नॉन एक्सचेंज एड्रेसेस की इथीरियम होल्डिंग में 11% की गिरावट देखने को मिली है और इसके अपोजिट ऑन एक्सचेंज वेल एड्रेसेस में 78% का राइज देखने को मिला है इथीरियम होल्डिंग में। ये डाटा दोस्तों लास्ट 3 मंथ का है। 15 सितंबर इथीरियम और क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये था दोस्तों आज का हमारा वीडियो। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए एंड लास्ट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद।